तो कैसा लग रहा है मुन्ना? मस्त। तो मुन्ना के जुल्फिकार सब उड़ गए हैं। अभी तो मेरे यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ थे पहले। चुप हो। ठंडा तौलिया लो। राम राम, सत श्रीकाल, कैम छो, सलाम वालेकुम भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को टाइम दिखाऊंगा, टाइम क्या हो रहा क्या नहीं। 10:55 होने गाइस, और आज तो खैर सूरज देवता निकल आए हैं। मौसम ऐसा हो रहा है बाहर का, मतलब कि ठंड है, काफी ज्यादा ठंड है। तो गाइस मेरा एक काम हो रहा है और मुझे जाना है पैन कार्ड ऑफिस, क्योंकि वहाँ पे मैंने एक साल पहले पैन कार्ड में नाम अपना चेंज कराया था। नाम तो खैर अपडेट हो गया था, पर पैन नंबर अपडेट नहीं हुआ था। तो मैं कल गया था बैंक में खुलवाने के लिए, तो वो कह रहे थे कि नाम तो अपडेट हो गया पर पैन नंबर आपका अपडेट नहीं हुआ है, तो आप अपडेट जाके करा दीजिए। तो मैं आज जाऊंगा ऑफिस, पैन कार्ड के ऑफिस, और उसको जाके मैं बोलूंगा भाई तुमने नाम तो खैर चेंज कर दिया, अब पैन नंबर कौन अपडेट करेगा। तो गाइस मैं जा रहा हूँ दुकान पे, क्योंकि ऋषि और पापा गए दुकान पे पानी की बोतल लेके, मुझे पानी लेके आना है। और देखो एक चीज और मैं आपको बताऊँ, कल पूरे दिन मैंने बिल्लो रानी को चलाया है, अमर भाई ने, मैंने, ऋषि ने और पापा जी ने। और यहाँ पे देखो बसंती खड़ी है, देखो बसंती क्या हालत होगी, पूरी की पूरी गंदी पड़ी है। तो आज मैं बसंती को चला कर लेके जाऊंगा गाजियाबाद, क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने हैं और जल्दी जल्दी जाना है। तो गाइस मैं आ गया हूँ दुकान पे, पापा जी राम राम। राम राम जी। तो पापा ने दुकान खोल ली है। 11 बजे तुम पानी लेने जाओगे? तो 11 बज रहे हैं, तुझे देखना चाहिए ना कि हाईवे रोड गाड़ी जब चलने लगी। सुबह का टाइम तो ठीक था, सुबह के टाइम तो गाड़ी कम रहती है। तो मुझे अपना काम भी तो करना होता है, वीडियो भी एडिट करूंगा ना। चलो कुछ ना हो रहा है, बाइक ना, गाड़ी आ रही है ना, तो दिख रहा है ना। तो गाइस हम आ गए हैं घर पे पानी लेके, और यहाँ पे जिस का चल रहा है नाश्ता सुबह का। और यहाँ पे गाइस मेरा आ चुका है, यहाँ पे मम्मी टमाटर काट रहे हैं सब्जी के लिए। तो मम्मी आज क्या बन रहा है? आलू तो काट दिए, वैसे आलू टमाटर की सब्जी बन रही है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, और तुम क्या बताओगी मुझे है? तो गाइस आ गया हूँ मैं जहाँ से मैंने पैन कार्ड अपने कराए थे, उसी ऑफिस में। तो अभी चलते हैं गाइस ऑफिस के अंदर, क्योंकि मैंने अपना पैन कार्ड कराया था ना, तो नाम तो अपडेट हो गया था पर पैन नंबर अपडेट नहीं किया। और बैंक वाले बता रहे फ्रॉड, ये पकड़ना फ्रॉड सेंटर। और भैया जी क्या हाल आपसे? भैया मैंने एक साल पहले वो कराया था पैन कार्ड में नाम चेंज, अब नाम तो चेंज हो गया, अब ये पैन नंबर अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि मैं बैंक में गया अकाउंट खुलवाने के लिए। ये जो आ रहा है ना W, वो कहे थे कि W जगह R आना चाहिए था। उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन है, कुछ बैंक वाले बोलते हैं चीजें, हाँ खुद नहीं पता इस बारे में। पैन कार्ड नंबर कभी चेंज नहीं होता, जब पूरा नाम भी चेंज कर दोगे ना, हाँ वो भी आपके पूरे पैन कार्ड पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर लोग बात कर देते हैं 10,000 की पेनल्टी है उसमें। ये आप गाइडलाइन पढ़ लेना, एक लेटर आता है आपके साथ पैन कार्ड के साथ, उसमें सब चीज लिखी हुई है। तो फिर बैंक वाले तो ले नहीं रहे ना इसे। अब SBI में गया हूँ मैं, और SBI की जगह मैं एक्सिस में गया हूँ, वो भी नहीं ले रहे। उनसे एक काम करो, इनकम टैक्स का टोल फ्री नंबर दे दो, या आप बात कर लो। तो ये परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो गाइस बात ऐसा है, क्योंकि इनके सिस्टम में दिखा रहा है पैन कार्ड मेरा अपडेट, यानी कि नाम एकदम सही आ रहा है। और मैंने भी चेक किया था एक साल पहले जब यहाँ से बनवाया था, तो नाम एकदम सही दिखा रहा था। पैन कार्ड का जो नंबर जो होता है वो चेंज नहीं होता, जो पैन नंबर जो होता है वो चेंज नहीं होता, वो चेंज बस नाम चेंज होगा पर वो चेंज नहीं होगा, पर वो सेम ही रहेगा। पर पैन कार्ड और बैंक वाले कह रहे हैं कि भैया बैंक में जो कह रहे हैं कि ये भैया आपका पैन नंबर चेंज होगा, पर कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद कस्टमर केयर से बात कर लेंगे। कस्टमर केयर का अभी सर्वे डाउन चल रहा है, अभी हमने कॉल की थी कस्टमर केयर को, तो वो कह रहे भैया सर्वे डाउन चल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम घर जाकर बात कर लेंगे, ये समस्या हमारी हो जाएगी हल। 90% तो हल हो चुका है, 10% बचा हुआ है, 10% घर जाके सॉल्व। तो गाइस हम आ गए हैं मार्केट, अरे भैया भैया 2 मिनट, चल बसंती बिल्लो रानी बंद हो जा। यहाँ पंसारी की दुकान पे अमर भैया गए कुछ सामान लेने के लिए, और यहाँ पे जाम लगा हुआ है, भंडारा हो रहा है उधर की तरफ। मैं बोलता हूँ हेलमेट का ये शीशा टूट गया पूरा, देखो अलग हो गया, अमर भाई से टूट गए ये शीशा, अब इसका शीशा भी डलवाना पड़ेगा गाइस, दिमाग खराब हो रहा है। क्या मुनक्खा का कितने का है? 200 रुपए। और यही था बस? खजूर लेने वाले, थोड़ी बढ़िया खजूर। हाँ खजूर ले लो जो लेना है। तो तैयार कर, चेक में आ रहा हूँ। ये लो। तो गाइस भैया ने जो सामान लेना था वो ले लिया भैया ने सामान। तो गाइस हम जा रहे हैं दुकान पे, हेयर की दुकान पे, ऋषि के आज बाल कटवाने के लिए। तो काफी टाइम हो गया अभी ऋषि तेरे बाल नहीं कटे, तो देखो तो सही इसके बाल देखो कितने बड़े पड़े हैं, ये बाल सब कट जाएंगे आज इसके। ये इधर आते हैं, हाँ देखो यहाँ तक आ रहे हैं, और इसके बाल देखना जब कटने के बाद कहाँ तक आएंगे, कहाँ तक नहीं। तैने बोला था जब पापा की सुपर बाइक आएगी तब मैं कटवाऊंगा, ठीक है अब आ चुकी है, तो अब जा रहे हैं गाइस हेयर की दुकान पर, आपको डायरेक्टली मिलते हैं हेयर की दुकान। तो गाइस हम आए हैं हेयर की दुकान पे, यहाँ पे बाल कटिंग हो रहे हैं ऋषि के, और भी तो भाई इसके भाई हेयर करने हैं आपको, फौजी कटिंग करनी है, ठीक है तैयार पक्का?
तो गाइस यहाँ पे ऋषि की कटिंग हो गई है फाइनल एकदम। तो कैसा लग रहा है मुन्ना? मस्त। तो मुन्ना के जुल्फिकार सब उड़ गए हैं अब लग रहा है ना। तो अभी तो मेरे यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ थे पहले उड़ गए ना। चलो खड़ा हो जाए। चल तो पेमेंट तो दे दे भाई को, फोन दो अपना भी पेमेंट करते हैं। पेमेंट नहीं है मेरे पास भाई। तो गाइस मिलते हैं आपको डायरेक्टली घर पे। चुप 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 चुप, मेरी बात तो सुन गाइस। यहाँ पे ऋषि को नहा रहा हूँ, पानी से इतना डरता है कि बहुत ज्यादा। और देखो ऋषि के मैंने बाल कटवा दे फाइनली, और ऋषि को मैंने नहा भी दिया, सर वगैरह धो भी दिए मैंने इसको। ये हो गया सब, अपने मुखड़ा तो दिखा दे। वाओ ये खड़ा हो वेरी गुड, सब बाल तू तो खड़ा हो, जल्दी लपेट जल्दी। चुप 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 चुप, हरकत मत कर, चुप हो, ठंडा तो ले लो, ठंडा ना। तो गाइस इसके लिए तौलिया लिया था, ठुठ ठुठ, लो पकड़ो, मिल गया तुम्हें। चुप। गाइस कमेंट करके जरूर बताना। देखो मम्मी ने जर्सी लगा दी इतनी बेहतरीन, तो मम्मी को देखो कैसी लग रही है मम्मी। देखो गाइस कमेंट करके जरूर बताना, मम्मी अभी अभी लगा ली तुमने जर्सी, और कहाँ से ली आपने ये तो बता दो। तेरे भाई लेके आया, बड़े वाला, बड़े वाले भैया लेके आए थे, ज्योतिबा भैया। पर अच्छी लग रही है वैसे जैकेट। पापा तो कुर्ता पजामा में तो वो लग रहे थे प्रधान, जैसे कई गांवों का प्रधान हो। तो गाइस वैसे ना दो के सीधा कंबल में घुस गया। देखो मम्मी इसको कपड़ा पहना रही है। देखो पानी को इतना डरता, और मम्मी कहती है कि दुनिया को मत दिखाओ। ये ब्लॉग है माँ, एक एक चीज का अपडेट देना पड़ता है। तो गाइस मम्मी और मैं जा रहे हैं बाजार थोड़ा मसाले वगैरह लेने के लिए। तो मम्मी बैठो, यहाँ पर मम्मी बैठ चुकी हैं। तो गाइस चलते हैं फिर मार्केट। तो गाइस मम्मी और मैं आए हैं यहाँ पे सामान लेने, यानी कि मसाले वगैरह लेने आए हैं, हल्दी मिर्च मसाले वगैरह लेने के लिए आए हैं। यहाँ से लेते हैं मम्मी दुकान से, यहाँ पे बढ़िया दुकान है। और ये है यहाँ पे मकनपुर में, और यहाँ पे मार्केट देखो कैसी मार्केट है, पूरी मार्केट है देखो। तो मम्मी हमेशा यहीं से ही लेती हैं, लेते हो ना तुम यहीं से। चीज़ और खासियत है यहाँ पे, अगर साबुत होगा ना यहाँ पे तो उसे पीस के देंगे ये, और भी सस्ता है यहाँ पे, और एकदम देसी, ना ही कोई मिलावट होगी ना ही कुछ। बुलवाइए तो अब हमारी मिर्च ना उसे पीसी जाएगी, तो हमने मिर्च ली है तो वो भी पीस के देंगे, है ना मम्मी। पिसवा दिया ना, तो मतलब मम्मी का काम यहीं पर ही निपट जाता है। मम्मी कूटती हैं उसमें, फिर मिक्सी चला कर पीसती हैं। यहाँ पर भैया ही खुद पर खुद पीस देते हैं। देखो अब भैया भर रहे हैं उसमें, और बॉक्स लगाएंगे बड़ा वाला। अब देखो हम आपको मिलेंगे डायरेक्टली घर पे। तो गाइस हम आ गए घर पे, और मम्मी अभी सोई हुई हैं, और यहाँ पे ऋषि आ गया है, और ऋषि का अभी चल रहा है यहाँ पे खाना। तो गाइस खाना खा लेते हैं फटाफट। तो ये बनाए हैं बतुआ के पराठे गरम गरम, थोड़ा चेक कर लो। ऋषि नाराज तो नहीं है तुम मुझसे? क्यों मैं क्यों नाराज होगा। और गाइस पता है तुम्हें, इनको पता क्या लग रहा है, इनका वो फोन खो गया। ऐसे ही लगा होगा आज, ऐसे ही लगा मुझे, क्योंकि इन्होंने मेरे को कंफर्मेशन के लिए फोन किया कि ऋषि मेरा फोन है कि नहीं है। ये डायरेक्ट बिल्कुल मैं समझ गया था भाई, कुछ ना कुछ तो आता है। मम्मी को लेके गया मैं मार्केट, फोन के लिए मुड़े थे। हाँ मैं मुड़ा, दो तीन बार मुड़ा, मतलब दो बार चक्कर लगाया। पहले तो एक बार तो लगाया मैंने चक्कर हेलमेट के लिए, अच्छा। दूसरी बार चक्कर लगाया मैं फोन के लिए, और तीसरी बार मैं मम्मी को लेके गया मार्केट, ये हुआ था मेरे साथ। तो गाइस खाना खा लेते हैं। तो गाइस हमारा फिनिश हो गया है खाना। तो गाइस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहाँ पे एंड, और टाइम बता दूँ कि टाइम क्या हो रहा है क्या नहीं। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:04 हो रहे हैं। गाइस आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया। वो पसंद आया तो गाइस लाइक कमेंट चैनल करना, सब्सक्राइब जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट। मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। राम राम, सत श्रीकाल, कैम चो, सलाम। मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ये पीयूष की मम्मी करती है, दो मिनट टाइटल होता है। देखो गाइस ऋषि नहीं, दो मिनट था, यही तो टाइटल होता है। अरे नहीं, मैं कर रहा हूँ।